हेलो गाइस, दिस इज संदीप, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। तो अज की वीडियो दे विच मैं तुहानू दिखाण जा रहा साडी लाइव क्लास असी किवें पढ़दे हां, ते उम्मीद करदा कि तुहानू वधिया लगेगा ते तुसी वीडियो नू लाइक जरूर करोगे। तो चलो जी, टाइम नू वेस्ट ना करते हुए आपां अपनी करदे हां शुरू अपनी क्लास। तो चलो जी, सब तो पहले मैं तुहाडे अगे एक थॉट बोलदा, ठीक है, जिन्हों आपां कॉट भी कहिंदे आ। रेडी, रेजेंट करियो जिन्हों अंडरस्टैंड होगा। सुनो जी, इफ यू आर नॉट डूइंग मिसटेक इट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग। इफ यू आर डूइंग मिसटेक इट मीन्स यू आर लर्निंग। बड़ा ईजी है, एक बार फिर सुन लो। इफ यू आर नॉट डूइंग मिसटेक इट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग। इफ यू आर डूइंग मिसटेक इट मीन्स यू आर लर्निंग। यस, जे तुसीं मिस्टेक कर रहे हो तां तुसीं कुछ ना कुछ सीख रहे हो, जे तुसीं कोई गलती नहीं करते तां तुसीं कुछ सीख नहीं रहे। हाँ, वेरी गुड। कहिंदा जे तुसीं कोई गलती करते हो तां इहदा मतलब तुसीं सीख रहे हो, जे गलती नहीं करते तां सीख भी नहीं रहे हैगे। तां अज आपां करदे हां वोकैबुलरी। वोकैबुलरी वुड बी रिलेटड टू खाण पीने दीआं चीज़ां दे रिलेटड वोकैबुलरी करवाऊंगा, ठीक है। रेडी हो? ओके। तो चलो जी, पहली चीज़ मैनू यह दसो, कोई ऐही जी डिश, कोई ऐही जी डिश दसो जिहड़ी पूरे दुनिया च खाई जाती है। कोई ऐही जी डिश जिहड़ी पूरी दुनिया च खाधी जाती है तो बहुत मशहूर भी है। रीजेंट करो जिन्हों पता है। देन आई विल आस्क यू। अंजू, कुलचा? नो, कट पता है। चलो जी, बर्गर ना जी, दैट वुड बी इंडिया की डिश है। तो कमाल की गल यह है कि अलग अलग कंट्री ने उन्होंने अलग अलग नाम दिते ने। तो है जी जलेबी। जलेबी, जलेबी नू तीन चार नाम मिले ने, ठीक है। पहला नाम यदा है फनल केक, FUNNEL फनल केक, यदा मतलब भी जलेबी होंगे। तो नैक्सट इज प्रेजल पुडिंग। प्रेजल पुडिंग, तेन एक नाम होर दिता है स्वीट मिंट। स्वीट मिंट, तो एक नाम इन होर मिले राउंडर स्वीट। हाँ देखो, बर्फी और नाम भी नहीं मिलेगे, चार चार नाम मिले जी। देखो, ठीक है जी। तो इंग्लिश का एक रूल है, जे तुहानू किसी भी चीज़ का नाम नहीं आता, लाइक कोई भी मिठाई का नाम नहीं आता ना, तो तुसीं इनू एज इट इज़ बोल सकते हो। तुसीं कई बार स्टोरीज दे विच देखा होगा कि जंगल दे विच सदा जंगल लिख रखा होंदा इन्होंने, है ना, JUNGLE जंगल। वो फॉरेस्ट भी लिख सकते ने, पर अपन नाम नू सदा नाम भी लै सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके जी, क्लीयर। चलो नैक्सट चीज़ आप करते हैं, समोसे की इंग्लिश दसो। समोसा देखे ना, समोसा ना दुकाना तो बेड़ा ऐ झाक रहा होंगे भी ले लो, ले जाओ मैनू। समोसे की इंग्लिश अमन। हाँ ओके, होर कोई दिशा? हाँ, अपन रिजोल भी कहने हैं, RISOLE रिजोल। रिजोल भी अपन कहने, अपन ट्राइंगल पाई भी कहने, ट्राइंगल पाई। जे पाई दी तुम्हें नाम भी नहीं भी आ रहे ना, तो कोई चक्कर नहीं है, इंग्लिश नहीं आते कोई चक्कर नहीं, समोसे नू समोसा बोल दो, ठीक है। आई वॉन्ट टू ईट समोसा, या आई वॉन्ट टू टेक समोसा, आई वॉन्ट टू टेक रिजोल, आई वॉन्ट टू टेक ट्राइंगल पाई, तो तुम इनू सीधा भी बोल सकते, नो प्रॉब्लम। चलो जी, हूँ नैक्सट चीज, मुँह च पानी पुनी तो नहीं आ रहा। नैक्सट चीज़,
गोल गप्पिया ने अपना इंग्लिश की कहने हैं, गोल गप्पे खाधे ने गोल गप्पे है ना, वेरी गुड। यस वाटर बबल, ओके क्रिस्पी बबल्स, क्रिस्पी बबल्स नहीं, यस क्रिस्पी बॉल्स, लिखो जी क्रिस्पी बॉल्स, सी आर आई एस पी वाई क्रिस्पी बॉल्स, इनू वॉटर बॉल्स भी कहते हैं, वॉटर बॉल्स कहते बड़े भैड़े जी तरीके बनाते होंगे है ना, ओके तो देख दो के ट्राई करे करो, ओके तो नेक्स्ट चीज आ गई अपने को पकौड़े, रीजन करो जिन्हों पकौड़े इंग्लिश पता है, पकौड़े 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 गोल गप्पे पकौड़े बेच नहीं रहा मैं अच्छा पकौड़ा सोचते की आता माइंड के पनीर पकौड़ा, पनीर पकौड़ा केड़ा पकौड़ा होता दिशा कोई सारे पकौड़े आ जाते हैं है ना, वैसे अपना माइंड एक फोटो ही बना दें ना, जो आप सोचा कार जी कार देखी होगी फोटो आ जाएगी है ना, आप कहें संदीप सर, इस तो पहले संदीप सर बारे नहीं जानते थे हूँ संदीप सर की फोटो आती है ना, हूँ मैं कहूँ थोड़ी मदर, थोड़ी मदर की फोटो आ जूगी है ना, मैं तो नहीं देखे थोड़ी मदर तो मेरे माइंड च नहीं आनी हैगी, ओके जी, तो जो अपना माइंड है हमेशा पिक्चर्स के थ्रू काम करता है, ओके तो चलो जी पकौड़े ने इंग्लिश किन्ने कौन दसूगा, शबश शबश करो रेजेंट, पकौड़े पकौड़े गोभी वाले पनीर वाले अंजू फ्रीटर्स, फ्रीटर्स लिखो फ्रीटर्स, फ्रीटर्स होंगे ने पकौड़े, ठीक है जी क्लियर, ओके अच्छा एक चीज़ बड़े ध्यान नाल सुनियो, लिख लिया डन, एक चीज़ बड़े ध्यान नाल सुनियो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, तुहाडे कोल क्वेश्चन है एक ध्यान नाल सुनियो, ठीक है एक बंदा उनू 6 मंथ रखिया 6 महीने ऐसे जे लोगों नाल रखिया जिहड़े बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, ठीक है 6 मंथ तो 6 मंथ रख्या ऐसे जे लोगों नाल जिहड़े सक्सैसफुल ने, ठीक है जी 6 मंथ रख्या उन्हूं ऐसे जे लोगों नाल जिहड़े सक्सैसफुल ने, हुण मैनूं इह दस्सो कि किन्ने परसेंट चांस ने वह नशा करूगा तो किन्ने परसेंट चांस ने वह सक्सैसफुल होगा, रेज एंड करो जिन्हूं पता है, एक रिसर्च हुई सी किन्ने परसेंट चांस ने कि वह नशा करूगा तो किन्ने परसेंट चांस ने कि वह सक्सैसफुल हो सकता है, चलो यूट्यूब तुसी भी सोच लो ये क्वेश्चन का आंसर, तो बिच विचाले आंसर दसांगे इस वीडियो के, ओके चलो जी ये आंसर आप बाद चो क्लीयर करेंगे, ठीक है चलो हुण आप अपना अगे पढ़ते हैं, अपना इंग्लिश किमें कहांगे कि संदीप तुहाडा की लगता जे इंग्लिश ये लाइन बनानी होवे तो किमें बनावांगे, आप संदीप तुहाडा की लगता, ना 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 बोलना नहीं बोलना नहीं, ओनली जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो, जे आंदा है तो सिर्फ रेज हैंड करो, यस व्हाट इज संदीप टू यू, हाँ कितों सीखा संदीप सर, चलो जी व्हाट इज संदीप टू यू, अजकल इनू इनू आसान हो गया, ठीक है जी आपां नूं इन्ना इन्ना ज़्यादा सोचने की लड़ नहीं हैगी, वट इज़ द रिलेशन बिटवीन संदीप एंड यू फलाना टिकड़ा ना, बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस अपन बनाने की लड़ नहीं, बस सीधा ही लिख दो वट इज संदीप टू यू, वट इज संदीप टू यू, संदीप थोड़ा की लग रहा है, ठीक है नेक्स्ट तुसी संदीप दे की लगते हो,
हाउ टू से इन इंग्लिश तुसी संदीप दे की लगदे हो कितों पूछिए अकड़ बकड़ करिए फिर सिमरन नो दिशा व्हाट इज यू टू संदीप हाँ व्हाट इज यू टू संदीप व्हाट आर यू टू संदीप तुसी संदीप दे की लगदे हो सर होना भी बन सकते हां होना भी बन सकते की चीज जे व्हाट दी जगह ते हु यूज कर दे फिर भी बनेगा नहीं 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 ओनली व्हाट नाल चलो ओ तुहाडा की लगदा है हाउ टू से इन इंग्लिश ओ तुहाडा की लगदा है Yes. What is he to you? What is he to you? What is he to you? ओ तुहाडा की लगदा है तुहाडे पिछे साइन ऑफ इंटरोगेटिव जो क्योंकि आपां क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओके जी ते आई मैनू ऐ दसो कि आई नू पा सिंगुलर मानते हैं या प्लूरल मानते हैं रेजेंट करो जिन्हों पता है आई नू पा सिंगुलर मानते हैं या प्लूरल मानते हैं यस 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 यू नो हाँ सिंगुलर मानते हैं ना आई नू पा की मानते हैं सिंगुलर या प्लूरल प्लूरल सब 99% सिंगुलर हाँ 1% हाँ जी अपन मानते हैं 99% प्लूरल ते 1% सिंगुलर क्यों मानते हैं 1% सिंगुलर फॉर एग्जाम्पल तुसी क्लास च बैठे हो है ना तो कोई टीचर बुलाता है भी तुसी तुहानू पता लग रहा तुसी उरा पर देख रहे थे ठीक है तुसी कहते भी सानू बुलाया जी तो सानू कदे च आ गया जादे च आ गया है ना या आप कई बार हिंदी कह दें भी तुम हमें जानते हो तो हम का चा गया ज्यादा चा गया है ना तो करके इन आप प्लूरल मनोंगे 1% सिंगुलर मनोंगे ओके क्योंकि आप आई नाल वॉज लाने ठीक है जी तो करके आप इनू सिंगुलर भी मानते हैं ओके नैक्सट चीज एक वर्ड करवाया सीगा लास्ट टाइम हाँ रीजन करो जिन्हों पता होगा काम नू कल ते टालना भी चलो कलू कर दिया बहुत सारी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है जो ना स्पोकन दिया क्लासा वगैरह लानिया होंगे ने है ना मैनू खुद जो मैं खुद लानिया सी ना खुद मैं 2 महीने पहले डिसाइड कर रहा थीगा कि मैं स्पोकन दिया क्लासा लाऊंगा और ये चीज़ बहुत ज़्यादा होंगी है कि काम नू कल ते टालना उदी इंग्लिश भी अपन आनी चाहिए अभी ओके जी दिस इज बैड हैबिट हाँ जी बहुत दिस इज बैड हैबिट ये तो बैड हैबिट है जी कि काम नू कल ते टालना है ना एक इंग्लिश दे विच कहावत भी है ना कल करे सो अज करे सो अब कर यही होनी चाहिए भी ऐ नहीं होना चाहिए भी कल करे सो अज करे सो अब करे सो चल फिर कल नू कर दे ए नहीं होना चाहिए ठीक है अपन इनू कहाओ वैसे ये करना ही चाहिए अपन जिमें सवेरे उठ मोस्टली सवेरे उठ उठन वेले हों है ना भी चल 5 मिनट होर सो जाने की होंगे जो है ना कई बार संडे सुंडे होंगे ए नहीं डिसाइड करते होंगे है ना भी अज तो संडे वाले भी छुट्टी है खुल के सोवे पर कमाल ये है पर कमाल की गल ये कि संडे वाले दिन तो नींद ही नहीं आती कई बार तो ठीक है जी तो काम नू कल दे टालन दी इंग्लिश की है प्रोकास्टिनेट स्पेलिंग दसो स्पेलिंग किनू पता नहीं अंजू पी आर ओ सी ए एस
TINATE हाँ प्रोकास्टिनेटर PROCASTINATE प्रोकास्टिनेटर सच्ची जो कर रही कर दी ना प्रोकास्टिनेटर तो छोड़ दो बढ़िया रहोगे। चलो हुण बैक टू अपने क्वेश्चन ते आने हैं। चलो उसे अपने क्वेश्चन ते आने हैं। जे एक बंदा छे महीने अहिजे लोगों नाल रहिंदा है कि जिहड़े बहुत ज़्यादा नशा करते हैं तो छे महीने एवें दे नाल रहिंदा है कि जिहड़े बहुत ज़्यादा सक्सैसफुल है लाइफ के जिन्होंने बहुत कुछ करे तो किन्ने परसेंट चांस ने भी वह नशा करूगा किन्ने परसेंट चांस ने वह लाइफ के कामयाब हो जूगा। चलो जी अमन नो 30-70 मतलब कि 30% ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 70% ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾ 80% ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ 80 ਹਾਂ ਤੇ 20% ਕਾਮਯਾਬ। ਓਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋ। ओके चलो दिशा सर 99% चांस ने कि वो भी गलत साइड जाएगा तो 1% चांस ने कि सक्सेस होगा। ओके अंजू बंदे बंदे ते पेंडा सर बंदे बंदे डिपेंड है। ओके 95% नशे का। ओके 5% सक्सेस। ओके और कोई एनी। चलो जी ते ओदे देखो वो 100% चांस ने कि वह नशा कर लगे जाऊगा 6 महीने के बीच बीच एक्चुअल के महीने ही लग जाएगा तो सिर्फ 10% चांस ने वो सक्सैस होने देख लो क्यों रीज़न की है क्योंकि माइंड अपना पुठिया चीज़ों भज के कैच करता है तो बैड चीज़ों बैड तो पुठिया एक ही होंगे ने लेट ओके जिम्मे ना मेरे एक फ्रेंड कह लग गया मैनू पूछन लग गया वो रात कहिंदा अंडा होंदा जिहड़ा अंडा कहिंदा वेज जांदा कि नॉन वेज जांदा दसो जी अंडा वेज जांदा या नॉन वेज जांदा थोड़ी नॉलेज वास्ते दस रहे ठीक है। हुण ऐ ने भी सदी सर ने कह दी भी अंडे तां ओह जांदे ने किते जाके लक लो। चलो जी अंडा दसो वेज जांदा कि नॉन वेज च वेज च ओके ते गंडा लसन प्याज का चंद मैं कहा मैं गंडा ते प्याज ये नॉन वेज चंदे ने कहंदा हाँ कहंदा है गंडा ते प्याज कहंदा दो एक दा होंदे ने ता गंडा या इन प्याज कहने प्याज ते लसन नॉन वेज चंदा है। नॉन वेज च क्यों आंदा है क्योंकि उस सैल होंगे ने है ना जो चीज़ च सैल होंगे ने तो वह चीज़ नॉन वेज चाहती है कच होंगे ने कट हाँ फिर वह भी तो वो आती है नहीं नहीं मीन टू से कि आप जो कट के खाने तो नॉन वेज ही आ जाते हैं तो ठीक है जी। एग है जोड़ा एग जिन्होंने भांडा कहने वह वेज के आंदा है। ओके वह वेज च क्यों आंदा है क्योंकि उस कोई हजे वह तो नहीं हुआ होंगे हजे मीन टू से बनया तो नहीं होंगे है जो भी वो तो जो मुर्गी बिठाते हैं फिर आता होंगे वैसे तो ठीक है जी तो दैट इज़ नॉलेज देखो यही जी नॉलेज भी दें आंडे उंडे वाले हम बस ए नहीं भी जान सब टुट पी आंडे से ये कि नॉन वेज चाहता है। ओके जी चलो नैक्सट ये पता लग गया ये रिसर्च हो रही थी किसी साइंटिस्ट ने की थी वो अकॉर्डिंग हुए जो भी इधर डेटा वगैरह है। चलो एक चीज़ और करवा थोड़ा मैं हाँ उम्मीद तो थैंक्स टू वॉचिंग उम्मीद करता कि तुम इस वीडियो तो बहुत ज़्यादा सीखने भी मिले होगा तो कुछ ना कुछ नव पता लगे होगा तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर के चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग लव यू ऑल कीप इन टच संदीप अकैडमी पतला।